लिम्फाइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फाइड नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्यूल्स भी थर्ड थाइमस में नहीं होते, थर्ड थाइमस में नहीं होते लिम्फ नोड्यूल, थर्ड थाइमस में नहीं होते लिम्फ नोड्यूल्स। ये जो निमोनिक्स और ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, ये यूजली मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो सुने थे और तैयारी जब कर रहा था, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो सजी सजाई प्लेट में मैं बता रहा होता हूँ, तो इनको लिखा करो आप लोग, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, हम इंसान हैं, हमें चीज़ें भूल जाती हैं, और भूलना कोई बुरी बात नहीं है। की टू सक्सेस इज रिवीजन, और रिवीजन किस तरह, एक्टिव रिकॉल करके, एक्टिव रिकॉल करके, इस तरह रिवीजन नहीं कि बस मुझे आ गया मैं दोबारा पढ़ लूंगा, नहीं, एक्टिव रिकॉल करो यार, अपने जेन में सोचो, अच्छा ये था, नहीं आ रहा उसको सोचो और सोचो, नहीं फिर भी जेन में नहीं, फिर बुक खोल के देखो, फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, ये ट्रिक मेरी आजमाओ, इंशाल्लाह आप लोग सारे जो है ना वो दुआएं दोगे कि ये तरीका अच्छा है, कि इससे चीजें जो है ना वो भूलती नहीं है। हम क्योंकि अपनी लाइफ में, कोई लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, कोई लोग जो है वो मैरिड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और कई लोग दो दो ड्यूटीज कर रहे होते हैं, तो उनके पास इस तरह जो है ना वो थॉरो चीजें पढ़ने का टाइम नहीं होता। अब हमने अपनी लाइफ को स्टक थोड़ी करना है, तो बस एक्टिवली रिकॉल, चलते फिरते आते जाते रिकॉल कर लिया करो, और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करो, इंशाल्लाह जो है ना पेपर पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, फेमरल वेन होती है। बच्चे कल वाले एमसीक्यू से मैं ना ग्रुप में तो पोस्ट नहीं, मैंने आज दोबारा रिवाइज करवाया है, लेकिन अगर अभी एंड पे टाइम मिला तो मैं आज पहला पेपर जो है वो एक उसका फ्रेश 5 से 10 मिनट में हार्डली लगेंगे, मैं सारे निमोनिक्स दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने जब भी मैंने क्लास लेनी है, आपने मुझे क्लास में कहना है कि दोबारा रिवाइज करवा, मैं करवा दूंगा। आप लोगों ने उसको ग्रुप में रख के क्या याद करना है, आप मेरे साथ याद करें। ठीक है, ग्रुप में चीजें मैं पोस्ट करूँ, और बहुत बहुत चीजें होती हैं याद करने वाली, एक सेकेंड से, तो आप लोग मेरे साथ याद करें। ये टाइम अगर ज्यादा भी लग रहा है तो कोई मसला नहीं, पेपर वाले, पेपर के आखिरी 2-3 दिन आपने यही किताब पढ़नी है, तो अभी से इसको इस तरह कर लो कि आपको टेंशन ना हो, एंड पे आप पैनिक ना हो, आप रिलैक्स हो गए पेपर में जाए। कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, ठीक है, अगर वो पूछे ना एम्बोलिज्म का सोर्स, तो वो होगा फेमरल वेन, ई एफ से याद रखो, एम्बोलिज्म के लिए फेमरल, ई एफ एम्बोलिज्म के लिए फेमरल, और डीवीटी सबको याद होता है, डीवीटी के लिए पोपलिटियल, ठीक है जी, ई एफ के लिए, एम्बोलिज्म के लिए क्या होगा जी, फेमरल होगा, पोपलिटियल नहीं लगाना, ठीक है, डीवीटी के लिए पोपलिटियल होगा। अच्छा, वुमेन हु इज बेड रिडन हैविंग एसओबी डेवलप एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन सोर्सेस, फिर दोबारा वो जनाब उसने क्या पूछा है, डीवीटी का पूछ लिया, ठीक है, बेड रिडन है ना, तो बेड रिडन को क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो उसका उसने कहा है कि सोर्स क्या है, तो वो क्या है, डीप वेन्स ऑफ लेग्स, उसने जनाब, हाँ, वुमेन हुज बेड रिडन एसओबी डेवलप्ड थ्रोम्बोसिस मोस्ट लाइकली सोर्सेस डीप वेन्स ऑफ लेग्स, उसका जनाब सोर्स है। मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म इज, फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन है जी, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड गैस जो होती है ना, गैस आप मुंह में उसके जो है ना, मेथड ऑफ फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन, जो उसके फेस मास्क है ना उसको स्टेरिलाइज करने के लिए आप उस पर गैस छिड़क दो, कौन सी गैस, इथिलीन ऑक्साइड की गैस जो है ना वो छिड़क दो। अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रिक कॉन्टेक्ट इन सुपाइन पोजिशन एस्पिरेशन विल लॉज इन, ठीक है, आपने ना पहले तो ये याद रखना है कि जो पीनट है या एस्पिरिन, वो जो नट है या कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किस लोब में जाएगा, तो वो सबसे पहले RLB, राइट लोअर लोब जो होता है ना, राइट लोअर लोब, ठीक है, राइट लंग का जो लोअर लोब है उसमें जाता है, ठीक है, लेकिन अगर सुपाइन पोजिशन है तो विथ सेगमेंट, उसका जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है ना, एपिकल सेगमेंट, उसमें वो जाएगा, एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, ठीक है, एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, लेफ्ट वाले तो ऑप्शन ही निकल गए ना, जब आपको राइट याद है, राइट साइड पे जाना है उसने, ठीक है, और एक एमसीक्यू आता है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है पीनट, तो वो उसका जवाब होता है साइटस इनवर्सस, साइटस इनवर्सस, वो अपोजिट साइड का वो उसका मसला है, ठीक है, साइटस इनवर्सस, ठीक है जी। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव फ्रॉम, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, हाँ जी, साइटस इनवर्सस, बेहतरीन। ये साइटस इनवर्सस वाला पॉइंट दोबारा बता दें। बेसिकली क्या होता है कि पीनट जब जानी है ना, तो उसने राइट राइट वाली साइड पे लोअर लोब में जानी है, ठीक है, अगर वो कहे कि पीनट उसने लिया और वो राइट साइड पे नहीं गई, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे चली गई है, तो ये मसला क्या है, ये साइटस इनवर्सस है कि उसका जो साइडें हैं वो चेंज हुई हुई है, ठीक है, उसकी जो साइडें हैं वो चेंज हुई है, साइटस इनवर्सस, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस,
इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले आपको ना मसल्स की थोड़ी सी तरतीब में करवा लेता हूँ कि सबसे पहले जो है एक्सटर्नल ऑब्लीक होता है, एक्सटर्नल ऑब्लीक के बाद क्या होता है किसका नाम है इंटरनल ऑब्लीक, ठीक है, बाहर से मैं अंदर जा रहा हूँ, और फिर ट्रांसवर्स, ठीक है ट्रांसवर्स, ठीक है। अब जब आपको ये पता है ना कि ट्रांसवर्स सबसे अंदर है, तो आप अंदर से शुरू करें, ट्रांसवर्स सबसे अंदर है ना, तो इंटरनल फेशिया जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस बताएगा, अगर ट्रांसवर्स अंदर है तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सलिस बताएगा, उसके बाद जो एक्सटर्नल वाला है वो सबसे बाहर वाला जो मसल था वो बताएगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, जो सेंटर में रह गया उसने क्रीमेस्टेरिक फेशिया बनाना है, तो सेंटर में रह गया उसने क्रीमेस्टेरिक फेशिया बनाना है। इफ़ यू नो कि ट्रांसवर्स मसल जो है वो सबसे नीचे होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक सबसे बाहर, फिर इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्स ऑब्लिक अंदर है तो इसने इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाना है, बाहर वाले ने एक्सटर्नल बनाना है, सेंटर वाला जो रह गया वो क्रीमेस्टेरिक बनाएगा, वो कौन सा है इंटरनल ऑब्लिक, वो कौन सा है इंटरनल ऑब्लिक। इसमें निमोनिक की जरूरत नहीं है, इसको अगर इस तरह से याद कर लोगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर, जी जी ठीक है ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल विल बी सीन इन जेवीपी फॉर्म एज, ठीक है, अगर राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन की वो सी से कॉन्ट्रेक्शन, सी से सी वेव, सी से कॉन्ट्रेक्शन, सी से सी वेव। अगर किसी को जेवीपी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट नहीं याद, तो ये याद रख लो कि जो राइट एट्रियम है उसमें जितना प्रेशर होगा उतना ही जुगलर में प्रेशर होगा, और इसको हम जेवीपी में ग्राफ बना के करते हैं, उसको कहते हैं जेवीपी, ठीक है। उसमें ए वेव बनती है, फिर बी सी वेव बनती है, फिर वी वेव बनती है, फिर एम्प्टिंग वाली वाई वेव बनती है, ठीक है। तो वो सारी फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है। इधर जो उसने पूछा है ना, उसने कहा है कि राइट वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन से याद रखो सी फॉर कॉन्ट्रेक्शन, सी फॉर सी वेव, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्शन में जो बनेगी वो सी वेव बनेगी जेवीपी में, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन एंड फ्लुमेजिनिल हैव सेवन रिमेंबर्ड रिंग कंपोनेंट व्हिच आर कॉमन इन बोथ, उन दोनों में जो कॉमन चीज है वो कौन सी होती है, डाइजीपाइन, डाइजीपाइन रिंग जो है ना वो कॉमन होती है बेंजोडाइजेपिन में भी और फ्लुमेजिनिल में भी, ठीक है। दोनों में क्या होती है, डाइजीपाइन रिंग जो होती है ना वो कॉमन होती है। 150 एमसीक्यूज डन, हाँ जी 150 एमसीक्यूज डन, ये पेपर खत्म कर लेते हैं, दो पेज रह गए बस। हाँ नहीं डॉक्टर मोहम्मद रियान, बस दो पेज रह गए, ठीक है, उससे पहले कि आज भी सिर्फ एक पेपर हो, हम जो है ना थोड़ी सी ये मैं इंशाल्लाह सुनूंगा, परेशान नहीं होना, मैंने सुनना है। अच्छा जी, 70-year-old man presents with myalgia rash. अब मैंने अपना वादा भी तो पूरा करना है कि सेकंड पेपर मैंने आपको और ज़्यादा अच्छा करवाना है, तो उसके लिए सेकंड पेपर तक पहुंचना पड़ेगा। 70-year-old man presents with myalgia rash and arthralgia, joint examination reveals no abnormality. Joint examination में कोई abnormality नहीं है, motor power उसकी 5/5 है, एना पॉजिटिव है। If anti-ribonucleoprotein